आज हम लोग देखने वाले हैं सिलेबल्स और मॉर्फिम के बारे में। अब सबसे पहले हमने क्या देखा, मॉर्फ और मॉर्फिम में क्या अंतर है ये आपको समझा है। इसी आशा के साथ हम लोग अभी इसका भी अंतर देखेंगे। सिलेबल्स और मॉर्फिम में अंतर देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई मॉर्फिम क्या है। अब मॉर्फिम तो सबसे छोटी इकाई है, शब्द की सबसे छोटी इकाई जिसको हम तोड़ नहीं सकते। अब सिलेबल क्या है, सिलेबल को जानने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, आप एक शब्द का उच्चारण करके बताइए मुझे। सोफा, हारितिका, सोफा सोफा। तो आपने जब सोफा बोला है तो आपको यहाँ एक चीज महसूस हो गई होगी कि आपको दो आर्टिकुलेशन करने पड़ते हैं। देखो, सोफा, सोफा यस सही है। यस मैम और ये जो उदाहरण है, मैंने ये जो बताया है सोफा, तो देखा जाए तो ये जो शब्द मैंने लिखा है सोफा, तो इसमें मैं ये बोल सकती हूँ कि मॉर्फिम एक ही है, क्योंकि ये मीनिंगफुल यूनिट है और लघुतम मीनिंगफुल यूनिट है भाषा का। ठीक है, ये एक शब्द, एक छोटा सा मॉर्फिम बन सकता है, ये मॉर्फिम बोल सकते हैं। अगर मैं इसे सो और फा बोलती हूँ तो क्या ये दोनों मॉर्फिम बन जाएंगे? क्या नो मैम नहीं बनेंगे, पर चूंकि सोफा ये मॉर्फिम है, मैं बोल सकती हूँ कि ये क्या है, एक मॉर्फिम है, और ये एस ओ और ये एफ ए ये दोनों मॉर्फिम नहीं है, क्योंकि शब्दों का मीनिंग यहाँ पर नहीं आ रहा है, लघुत्तम शब्द का अर्थ यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो सोफा एक मॉर्फिम है, यस मैम रूपीम है। ठीक है प्रशांत, इसमें समझ में आया बेटा? हाँ प्रशांत, ऑनलाइन है आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शायद वो नहीं उत्तर दे पा रहे। तो यहाँ पर ये जो मॉर्फिम है, इस मॉर्फिम को जब हम बात बोलते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि सोफा, सोफा में दो तरीके के आर्टिकुलेशन, मतलब दो तरीके के मेजर आर्टिकुलेशंस को हम लोग महसूस कर सकते हैं। रितिका, आपने जब बोलते हुए उसे अनुभव किया तो एस ओ का एक आर्टिकुलेशन हो गया सो का और फिर फा बिल्कुल का। हाँ ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है प्रशांत आपको? सोफा में दो तरीके के आर्टिकुलेशन है। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि ये जो वर्ड है, ये जो शब्द सोफा है, इसमें सो और फा ये दो तरीके के आर्टिकुलेशन आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके कुल मिलाकर दो सिलेबल्स है, दो सिलेबल्स है, ऐसा हम बोल सकते हैं। आ रही बात ध्यान में, कॉन्सेप्ट सिलेबल्स की और मॉर्फिम यस की? तो तो ये मैम देखिए यहाँ जरूरी नहीं लिखा के लिए जी जरूरी नहीं कि वो मीनिंगफुल हो मैंने, हाँ, मीनिंगफुल हो ऐसा जरूरी नहीं है, उसका एक जो एक साथ आर्टिकुलेशन उसका बनना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर, सिलेबल्स आर ग्रुपिंग ऑफ साउंड्स फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकुलेशन, वाइल मॉर्फिम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन। ठीक है, अब ये मॉर्फिम क्या है आपका, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग या फिर ग्रामेटिकल फंक्शन करने वाला कोई अक्षर भी हो सकता है। जैसे कि हम आमतौर पर ये वाला उदाहरण देख ही रहे हैं, बॉय का प्लूरल फॉर्म में अगर देखती हूँ तो बॉयज हो जाता है। तो इसमें कितने मॉर्फिम हैं, एक है बॉय और दूसरा है एस, जो कि आपका प्लूरल मार्कर है। ठीक है, अब ये आपका वर्ड है, मॉर्फीम है, तो ये आपका यहाँ पर वन और वन मिला के कुल मिला के कितने मॉर्फीम हो गए, दो मॉर्फीम हो गए। अब ये आप में देख सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है
मीनिंगफुल स्मॉलेस्ट यूनिट, और जो एस बता रहा है वो आपकी ग्रामेटिकल फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है, वो प्लूरल मार्कर को इंडिकेट कर रहा है। अब सिलेबल में वो बात नहीं है, सिलेबल होता है कि ग्रुपिंग ऑफ साउंड फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकुलेशन। हम जब आर्टिकुलेशन मतलब जितने भी आपके वोकल एपरेटस है जिसमें कि ओठ, दांत, तालू और उसके बाद में स्वर रज्जु इत्यादि, मतलब ग्लॉटल से लेके पलाइटल से एल्वियोलर से लेके, तो डेंट, दांत, ओठ, ये सारे अवयव होते हैं। और हम ये बोल सकते हैं कि ग्रुपिंग अगर हम करके करके कोई आर्टिकुलेशन पैदा करते हैं या फिर आर्टिकुलेशन आपका होता है इन अवयवों के आधार पर, तो हम इससे सिलेबल बोल सकते हैं। तो सोफा में आप देख सकते हैं, जब आप सोफा बोलते हैं तो सोफा, तो एक आर्टिकुलेशन सो का हो गया और दूसरा आपका फा का हो गया। तो इस वजह से यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि दो सिलेबल्स है, दो सिलेबल्स है। अब देखो यहाँ नीचे में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं समझने के लिए। देखो यहाँ बुक है तो इसे हम लोग फोनेटिकली इस तरीके से इन्फॉर्म करेंगे, बुक्स, बुक्स, ठीक है। अब ये बुक्स में मैं बोल सकती हूँ कि एक ही सिलेबल है पर दो मॉर्फिम है, सही है रितिका? ये जो बुक है, बुक्स, इसमें एक ही सिलेबल है और दो मॉर्फिम है। दो मॉर्फिम कौन कौन से है? बुक और एस। एस, ठीक है। तो ये आपका एक सब बुक आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग हो गया, और ये एस है वो आपका प्लूरल मार्कर हो गया। अब आप जब बुक्स बोलेंगे, देखो बुक्स, बुक्स बोलेंगे तो आपको उसे एक साथ बोलना पड़ रहा है, बुक्स को। आप बुक्स ऐसा नहीं बोल सकते, बुक्स ऐसा नहीं बोल सकते, है ना, आपको एक साथ ही बोलना है। मतलब एक ग्रुप हो रहा है यहाँ पर आर्टिकुलेशन का, आर्टिकुलेशन जब आप कर रहे हैं ना तो आपको कहीं तो भी उस साउंड को ग्रुप करना पड़ता है, ग्रुपिंग हो रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका जो है वो सिलेबल यहाँ पर एक ही, परंतु आपके मॉर्फिम यहाँ दो है, आपके दो है और सिलेबल एक है, ठीक है। अब यहाँ सोफा है तो सोफा में देख सकते हैं आप कि सोफा में एक मॉर्फिम है पर सोफा, सोफा, सोफा आप बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम लोग इस इन साउंड्स को ग्रुप करते हैं आर्टिकुलेशन के लिए, पर्पस ऑफ आर्टिकुलेशन, जब हम लोग बात बोलते हैं उससे तो हम लोग उस साउंड्स को ग्रुप करते हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे कि इसमें दो सिलेबल्स है। वैसे बलून, बलून, देखो बलून, बलून बोलते हैं, ब बलून, बलून, ठीक। तो यहाँ पर आपके दो सिलेबल्स है, तो जब हम लोग बोलते वक्त उसका ग्रुपिंग करते हैं ना, हम आप हमेशा देखेंगे कि हम लोग एक साथ नहीं बोलते, बहुत चीज़ें हम लोग आर्टिकुलेशन करने के लिए उस उन साउंड्स को ग्रुप करते हैं। तो ये आपका सिलेबल हो गया। आई बात ध्यान में, कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबल्स और कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्फिम में क्या अंतर है? हाँ, अब यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि व्हेन वी डिवाइड अ वर्ड इनटू मॉर्फिम वी फोकस ऑन स्ट्रिंग ऑफ साउंड दैट आर मीनिंगफुल। यहाँ पर हम लोग उसके मीनिंग को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि बुक को मैं अभी और तोड़ नहीं सकती, मैं बी ओ ओ और फिर उसको के, इस तरीके से मैं नहीं तोड़ सकती, इसका मीनिंग निकल के निकल जाएगा। उसे तोड़ना उसी हद तक है जहाँ तक उसका मीनिंग प्रिजर्व रहे। तो यहाँ पर ये मॉर्फिम बताता है कि स्ट्रिंग ऑफ साउंड दैट आर मीनिंगफुल, क्योंकि मॉर्फिम आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग होता है। अब सिलेबल में क्या होता है? सिलेबल में फोनेटिक लेवल की बात होती है, फोनेटिक लेवल का आपको यहाँ अंदाज़ा लेना पड़ता है कि फोनेटिक लेवल पर आपका ग्रुपिंग कैसा है। अब मॉर्फिम में क्या होता है, मीनिंग लेवल पर थोड़ा सा आपको ग्रुपिंग करना पड़ता है, पर यहाँ फोनेटिक लेवल पर आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो सिलेबल्स और मॉर्फिम में अंतर क्या है, ये आपको समझ में
आया है या नहीं? आ गया? Yes, ma'am. अब देखो हम लोग बोलते आकृति, बोलो कितने सिलेबल्स है? हाँ, वेरी गुड, दो सिलेबल्स है, समझ में आया? पर आपका देख सकते हैं मॉर्फीम एक ही है। Yes, हाँ दी, तोड़ भी सकते हैं, वैसे कृति भी एक होता है, मॉर्फिम हो सकता है, है ना? लेकिन स्वर हो जाएगा। हाँ, तो ये जो है इस तरीके से आप सिलेबल्स को बोल के, अब सिलेबल्स को बोल के और आपकी प्रैक्टिस से आप इसे ढूंढ सकते हैं कि भैया इसमें, इस शब्द में कितने सिलेबल्स है। ठीक है? हाँ प्रशांत। हेलो। हाँ समझ में आया बेटा? मैम बीच बीच में क्लास लेफ्ट हो गया था, अभी हम रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे दोबारा। बहुत अच्छी बात है, चलिए ठीक है। ये आपका सिलेबल और मॉर्फिम के बारे में हमने डिस्कशन किया, अब आगे बढ़ते हैं। रूट क्या है? आज हम लोग अभी पूरा सब पेड़ों के बारे में देखेंगे, रूट क्या है, स्टेम क्या है, उसका बेस क्या है। अब देखो रूट का मतलब होता है मूल या फिर आधार। तो रूट जो है, इस रूट की कल्पना क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। रूट की कल्पना ऐसी है कि जब हम लोगों में कई सारे शब्द बनाते हैं, मतलब वर्ड फॉर्मेशन की जब प्रक्रिया होती है, शब्द निर्माण की, वर्ड फॉर्मेशन की जब प्रक्रिया होती है तो हम कई सारे शब्द बनाते हैं। जैसे कि हमने अंग्रेजी के कई सारे उदाहरण देखे हैं, उसके बाद में हिंदी के भी आप लोगों ने कई सारे उदाहरण दिए हुए हैं। तो अब एक उदाहरण हमने लिया था कि ये लेक्सिम है सी, तो सी से कितने सारे शब्द बने थे आपको याद होगा? सीज, सीइंग, सॉ, याद है आपको? हाँ, तो ये सी क्या है? लेक्सिम है, इससे हमारे कई सारे शब्द बने हैं। तो ये जो शब्द है, इस शब्द को हम लोग रूट कहेंगे, ठीक है? इस शब्द को हम लोग रूट कहेंगे, और इस रूट को अगर हम लोग देखेंगे तो इसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसे हम लोग, इस शब्द को हम लोग रूट या फिर रूट वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है? तो वैसे ही जैसे सी के बारे में हमने देखा था, वैसे हमने वॉक के बारे में देखा था, याद होगा आपको? वॉक से कई सारे शब्द फॉर्म हो रहा है, वॉक्स हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, वॉकिंग हो रहा है, उसके बाद में वॉक्ड हो रहा है, यहाँ पर इवन वॉकर भी हो रहा है, ठीक है? अब ये तो सारे शब्द बन गए, बनने के बाद में आपको ये पता चलेगा कि भैया ये ओरिजिन तो यहीं से है, वॉक से ही है, ओरिजिन आपका वॉक से है। तो ये वॉक क्या हो गया आपका? ये इस तरीके का ये लेक्सिम है, ये लेक्सिम ऐसा लेक्सिम है जिसको हम लोग अभी फिर से रिड्यूस नहीं कर सकते या फिर उसको तोड़ नहीं सकते हैं। आ रही बात ध्यान में? हाँ, तो हम इससे बोलेंगे रूट। रूट क्या क्या कहेंगे? रूट या फिर रूट वर्ड, ठीक है? तो अब यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आप, ये नीचे में उदाहरण दिए हुए कई सारे उदाहरण है। मैन, ये एक रूट है। बुक रूट है। टी, स्वीट, कुक, ये सारे रूट है। ये सारे के सारे जितने भी शब्द है एग्जाम्पल के तौर पर जो मैंने लिए हुए है, ये सारे रूट वर्ड है। इसको हम लोग और भागों में बांट नहीं सकते हैं और इसको
को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब ये जो रूट्स है, देखो यहाँ पर जो एक वाक्य है कि रूट्स विच आर कैपेबल ऑफ स्टैंडिंग इंडिपेंडेंटली आर कॉल्ड एज फ्री मॉर्फीम्स। हमने पढ़ा है फ्री मॉर्फीम्स के बारे में। हाँ रितिका, यस मैम पढ़े हैं। हाँ बताओ तो फ्री मॉर्फीम और कौन सा मॉर्फीम होता है? मैम जब हम लोग दो वर्ड को तोड़ते हैं तो जो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंटली जिसका एक कोई मीनिंग हो उसको फ्री मॉर्फीम कहते हैं। हाँ इंडिपेंडेंट मीनिंग हो उसका वो उसको बोलते हैं। और दूसरा टाइप क्या है मॉर्फीम का? बाउंड मॉर्फीम। बाउंड मॉर्फीम, वेरी गुड। तो फ्री और बाउंड के बारे में हमने तो पढ़ लिया था। तो यहाँ पर जो रूट एक इंडिपेंडेंट और या फिर स्वतंत्र यूनिट होता है उसको हम लोग फ्री मॉर्फिंग बोल सकते हैं। तो जैसे कि ये मैन है, बुक है, ये क्या हो गया, ये सारे आपके फ्री मॉर्फिम्स हो गए, ठीक है। तो रूट्स कैन बी फ्री मॉर्फिम, ये बात ध्यान में रखो। हाँ प्रशांत, रूट्स कैन बी फ्री मॉर्फिम, समझ में आया बेटा क्यों फ्री मॉर्फिम? हाँ तो इस तरीके से रूट शब्द है वो क्या होता है कि उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते और साथ ही में उस के जो मीनिंग है मतलब उसके आधार पर कुछ भाषा का कोई मैनिफेस्टेशन या फिर मीनिंग, लेक्सिकल मीनिंग उसके साथ एसोसिएट होना चाहिए, तो इसे हम लोग रूट बोलेंगे। तो इस उदाहरण से ये जो जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरणों के साथ हम लोग ये बोल सकते हैं कि रूट आपका फ्री मॉर्फीम रह सकता है, फ्री मॉर्फीम रह सकता है। तो मुझे बताओ कि रूट क्या बाउंड मॉर्फीम नहीं रह सकता? नो मैम। हाँ नहीं रह सकता। रिकॉर्ड मैम अगर बाउंड रहेगा तो उसका जो वो एक रूट जो अलग अलग बनते हैं वो बनेगा नहीं, उसका मीनिंग खुल रहेगा। हाँ, नहीं कुछ करेक्ट करेक्ट, उसका मीनिंग नहीं रहेगा। जैसे कि मान लो ये जो प्लूरल मार्कर है ये आपका बाउंड मॉर्फीम है, ठीक है ना। तो इस बाउंड मॉर्फीम से और कौन से नए शब्द बनते हैं बेटा? नहीं बन सकते ना नए शब्द, इससे नहीं बन सकते। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये किसी ना किसी पर डिपेंड है, वो कहीं तो भी अटैच हो जाएगा तभी उसका मीनिंग आएगा कि भैया ये प्लूरल मार्कर है। तो वैसा वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इस वजह से वो फ्री मॉर्फिम नहीं है और बाउंड मॉर्फिम से बाउंड मॉर्फिम्स को हम लोग रूट नहीं बोल सकते, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ये कुछ जो लिखे हुए हैं फ्री मॉर्फिम्स, फ्री मॉर्फिम्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लेक्सिकल मॉर्फिम्स। ये हमेशा आप ध्यान में रखना है कि आपके फ्री मॉर्फिम्स आपके लेक्सिकल मॉर्फिम्स होते हैं। और फ्री मॉर्फिम्स क्या क्या कैटेगरी में पाए जा सकते हैं? वो आपके नाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब मतलब क्रिया, प्रीपोजिशंस और एडवर्ब, ऐसे जितने भी आपके ग्रामेटिकल कैटेगरीज वाले शब्द हैं वो आपके फ्री मॉर्फिम्स में आ सकते हैं। बाउंड मॉर्फिम में आएंगे क्या? नो। यस तो अब यहाँ पर देखो कि ये जितने भी फ्री मॉर्फिम्स है जो कि नाउन है, एडजेक्टिव्स, वर्ब, प्रीपोजिशंस एंड एडवर्ब है, ये सारे के सारे आप के भाषा में जो संप्रेषण में सिमेंटिक कंटेंट को दर्शाते हैं। सिमेंटिक कंटेंट ऑफ अटरेंसेस, सिमेंटिक कंटेंट ऑफ अटरेंसेस का मतलब क्या है? सिमेंटिक कंटेंट का मतलब क्या समझा है आपने? सिमेंटिक कंटेंट का मतलब देखो मैं एक बता रही हूँ। अगर मैं बोलती हूँ कि भैया आप बड़े दयालु हैं, आप दयालु हैं, तो दयालु तो ये तो मैंने बता दिया, तो पर मैं फिर भी क्या बता रही हूँ पता है? मैं आपकी एक क्वालिटी बता रही हूँ, मैं एक क्वालिटी बता रही हूँ। अब मैं बता रही हूँ कि
ये रिति का जो है वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं आपकी एक क्वालिटी बता रही हूँ अच्छी, और रितिका जो है वो एक लड़की का नाम है, देखो अंडरलाइन चीजें देखो उसको, आप प्रशांत आप समझ पा रहे हो बेटा? यस हाँ, अगर मैं बोल रही हूँ कि प्रशांत बहुत अच्छे तैराक है, तो मैं तैराक मतलब पता है तैराक से आपका एक तो स्किल पता चल रहा है कि आपको तैरना आता है, और उसमें भी वो स्किल में अच्छा लगा हुआ है, अच्छे तैराक है, इसका मतलब क्या है कि आपको वो स्किल बहुत अच्छे से आता है। ये जो मीनिंग है ये इसे हम लोग सिमेंटिक या कंटेंट या सिमेंटिक मीनिंग बोलते हैं, सिमेंटिक्स बोलते हैं, कि मैं बोल रही हूँ प्रशांत अच्छा तैराक है। भैया मैं ये तो नहीं बोल सकती ना, जैसे देखो लैपटॉप अच्छा तैराक है, मैं बोलूँगी क्या कभी मोबाइल अच्छा तैराक है, या फिर कैमरा अच्छा तैराक है, कुर्सी अच्छा अच्छी तैराक है, बोलूँगी क्या मैं? नो मैम, नहीं बोलूँगी ना, नो बोलूँगी नहीं, क्यों क्यों नहीं बोल सकती? मैं बोलूँगी गाड़ी अच्छी तैराक है, मेरी जो गाड़ी है वो बहुत अच्छी तैराक है, ऐसे बोलूँगी तो कितना ऑकवर्ड लगेगा। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ प्रशांत अच्छा तैराक है, तो प्रशांत और गाड़ी में क्या अंतर है? वो लिविंग थिंग है और साथ ही में किसी व्यक्ति को दर्शा रहा है। यस मैम, हाँ, तो ये है आपका सिमेंटिक कंटेंट, उसमें सिमेंटिक कंटेंट होता है। और अब ये देखो यहाँ नीचे में कई सारे उदाहरण भी है, जॉन नाउन जो है जॉन मदर, ये क्या है? पर्सन को रेफर कर रहे। फिर उसके बाद में काइंड क्लेवर, ये क्या है? आपकी प्रॉपर्टीज आपके गुणधर्म बताते हैं। फिर उसके बाद में हेट राइट, ये सारे आपके एक्शंस या फिर स्टेट या फिर प्रक्रियाएं बताती है। उसके बाद में इन ऑन अंडर, ये आपके रिलेशंस बता रहे हैं, और कुछ डिस्क्राइबिंग द सर्कमस्टेंसेस लाइक मैनर, ये आपके इस तरीके के शब्द है काइंडली वगैरह। तो आ रही है यहाँ पर आपको बात समझ में कि जितने भी मॉर्फिम्स है, कौन से मॉर्फिम्स? जो कि फ्री मॉर्फिम्स है उनको हम लोग लेक्सिकल मॉर्फिम भी बोलते हैं, ठीक है? फ्री मॉर्फिम्स को हमने कौन सी मॉर्फिम बोला है? लेक्सिकल, लेक्सिकल मॉर्फिम। लेक्सिकल भी बोला है, और साथ ही में फ्री मॉर्फिम्स आपके रूट वर्ड भी रह सकते हैं। और ये जितनी भी फ्री मॉर्फिम्स है वो क्या क्या ग्रामेटिकल कैटेगरीज को दर्शा सकती है? नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है, और प्रीपोजिशन, एडवर्ब इत्यादि। और इन सभी कैटेगरीज को जो फ्री मॉर्फिम दर्शाते हैं, उस फ्री मॉर्फिम के आधार पर हम लोग सिमेंटिक कंटेंट को जान सकते हैं, या फिर वो जो जितने भी मॉर्फिम्स है वो आपको सिमेंटिक कंटेंट की जानकारी देते हैं, ठीक है? अब यस मैम, आगे बढ़े। यस मैम। अब ये जो फ्री मॉर्फिम्स है, जो कि आपके रूट है, जो कि आपके लेक्सिकल मॉर्फिम्स है, ये सारे आपके फंक्शनल वर्ड्स होते हैं। फंक्शनल वर्ड्स होते हैं जिसमें कि फंक्शनल वर्ड्स का मतलब क्या है ये पहले हमें समझना पड़ेगा। फंक्शनल वर्ड्स मतलब आपका सिमेंटिक कंटेंट उसमें बेसिकली बहुत मतलब नहीं होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। फंक्शनल वर्ड्स मेनली सिग्नल ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन और लॉजिकल रिलेशन। तो यहाँ पर ये सारे उदाहरण देखेंगे कि जैसे कि फंक्शनल वर्ड्स है, फंक्शन वर्ड्स में आर्टिकल्स आ गए, ए और दी, आपको पता है ना आर्टिकल्स है अंग्रेजी में। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स है दिस दैट दीज दोज ये। फिर उसके बाद में प्रोनाउन्स है, प्रोनाउन में आई यू वी दे देम माई योर हीज हर हुम एक्सेट्रा। और कंजक्शंस एंड येट इफ बट हवेवर और, ये सारे आपके क्या है? फंक्शन वर्ड्स है। तो हमें ये देखना है कि फ्री मॉर्फिम्स आपके लेक्सिकल मॉर्फिम तो रह ही सकते हैं, लेक्सिकल मॉर्फिम के साथ साथ वो आप फंक्शन वर्ड्स भी रह सकते हैं।
और फंक्शन वर्ड्स आपको पता चल गया होगा कि फंक्शन वर्ड्स से लेक्सिकल मॉर्फिम क्यों डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि देखो इसमें ये जो है दैट, दैट में कोई सिमेंटिक कंटेंट है क्या? कोई दर्शा रहा है किसी व्यक्ति को, किसी भावना को दर्शा रहा है क्या ये दैट शब्द? नो मैम, नहीं दर्शा रहा है। तो मैं ये बोल सकती हूँ ना कि इसमें सिमेंटिक कंटेंट नहीं है, सिमेंटिक कंटेंट नहीं है, पर दैट में कुछ ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन छुपी हुई है जो कि जब उसको प्रत्यक्ष रूप में हम लोग उपयोग में लाएंगे तो हमें पता चल जाएगी। ठीक है, ये दैट दीज दोज, इससे सिमेंटिक कंटेंट हमें नहीं पता चलता है, बट हमें ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन हो गया या फिर लॉजिकल रिलेशंस। लॉजिकल रिलेशंस देखो एंड हो गया, एंड ये दो वाक्य को जोड़ेगा, यहाँ पर सेंटेंस वन होगा, दूसरा सेंटेंस टू होगा। इन दोनों वाक्य को या फिर दोनों पदों को, ठीक है, या फिर दोनों पदबंधों को वो जोड़ेगा एंड। तो कैसे हो रहा है ये लॉजिकल रिलेशन जैसा काम कर रहा है यहाँ पर। तो ये आपके फंक्शन वर्ड्स भी फ्री मॉर्फिम्स हो सकते हैं चूंकि वो आपके लॉजिकल रिलेशंस और ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन को दर्शाते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहीं रुकेंगे।